लड़की के लिए कोई रिश्ता रुश्ता हर बार ठेके के सामने क्यों 8 PM का पौआ 140 रुपए को भाईचारा इसे कहते हैं। तो वहाँ टांगों पे ध्यान ना दो, वहाँ स्नो पहले मूली का खाना था, वातावरण पे रहम किया तो मैंने तुम पे रहम खा लिया ना। ऐसे तोड़ते तो पहले अपने मर्द का तोड़ते। तो दोस्तों यहाँ पे अपना स्टे है, जब मैं आया था 2018-19 में आया था तो तब भी मैंने यहीं पे स्टे लिया था। सेम रूम है यहाँ से कुछ, अभी पुराने नहीं है। लोग पुराने नहीं है, ठीक लग रही है ना? हाँ एकदम बढ़िया, कमेंट करके बताना ठीक लग रही है। लड़की के लिए कोई रिश्ता रुश्ता हो तो बताए, जरूर मेरे को लगे, लगी है। लगे हाथ, हमारा भी ध्यान रखें। लोगों ने बोला आप पता ही करा लो। तो ATM में आए हैं, कंचन सनग्लास निकाल रही थी, कहती कि यहाँ पे ना मना करते हैं सनग्लास वगैरह पहनने के लिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ना ठहर बैठे इसलिए। हर बार ठेके के सामने क्यों खड़ रहे हो तुम? 8 PM का पौआ 140 रुपए, इससे ज्यादा पैसे ना दे, क्या बात है। देखो भाईचारा इसे कहते हैं, जनहित में जारी। ये तो जा रहे हैं अंदर माल रोड के लिए रास्ता, और हम जा रहे हैं अभी बाहर बाहर से कैंपटी फॉल। एक बज चुका है, आधा दिन तो यहीं निकल गया है। तो कैंपटी फॉल दिखा रहा है यहाँ से 19 किलोमीटर के लगभग। वाओ अल्टीमेट, मेरे को स्नो पीक माउंटेंस दिखाई दिए यहाँ से, पूरी रेंज दिख रही है स्नो पीक माउंटेंस की। आई डोंट नो कि वो कहाँ के हैं, मे बी उत्तरकाशी साइड के हो सकते हैं ये। हाँ उत्तरकाशी साइड के ही होने चाहिए। तो वहाँ टांगों पे ध्यान ना दो, वहाँ स्नो पीक माउंटेंस देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं, एकदम सही। टांगों पे ध्यान लड़कियाँ ना दें, क्योंकि लड़कियाँ देखती हैं ना है कितनी अच्छी ड्रेस है, फिर वो भी ऐसे हिल स्टेशन में आके ऐसी ड्रेसेस पाएगी और बीमार हो जाएगी, तो इसलिए वो ना दें। बाकी जिनको देना है वो उनकी मर्ज़ी है भाई, हम क्या बोल सकते हैं। मतलब यार थोड़ा मजाक मस्ती होनी चाहिए, तो डोंट टेक इट सीरियसली, सिर्फ हम मजाक करते हैं, थोड़ा फन होना चाहिए लाइफ में। बोरिंग थोड़ी दिखाऊंगा। बाइक पर आके यहाँ पे फोटो ले रहे थे, लंच के टाइम पे हम नाश्ते वाला खाना खा रहे हैं। ये है गोभी का परांठा और वो है आलू का, और ये तो चाय विद मक्खन एंड अचार, एंड हम ओपन में बैठ के खा रहे हैं। इन्होंने पहले मूली का खाना था, लेकिन फिर इन्होंने वातावरण पे रहम किया। किसने खाना था मूली का? तुमने, तुम ही बोल रहे थे मूली का। तुम्हारे लिए तो मैंने तुम पे रहम खा लिया ना। हाँ तो अच्छी बात है ना, ब्रंच करने में हमें 3 बज गए। तो ये ट्रिप था हमारे 4-5 लोगों का, लेकिन उनमें से सिर्फ हम 2 ही आए हैं, तो जो नहीं आए हैं वो घर बैठ के अब आराम से ये देखें। सो वो है कैंपटी फॉल, ऊपर से वो पानी आ रहा है, फॉल हो रहा है, और वो नीचे सारा स्विमिंग के लिए बनाया हुआ है। तो अभी तो जाने का फ़ायदा है नहीं है, बट हम वैसे ही ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तो गर्मियों में जाओ नहाओ, रूपा लक्स कोजी दिखाओ तब फ़ायदा है, ऐसे नहीं। सो ये शॉप्स वगैरह हैं कैंपटी फॉल में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे खाने पीने का भी है सारा कुछ, और साथ ही साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। और ये जो पुल है जिसके ऊपर अभी हम हैं, इसी के नीचे फॉल है वो। मोरी अखियां इन नखियों में भीगे सपने सतरंगी।
तो हम तो नीचे पैदल पैदल आए हैं, थोड़ा कंचन को अब चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बट रोप वे भी है, अभी रोप वे आ रही है। 200 चार्जेस है इसके बोथ साइड का, मतलब नीचे ले जाएगी और ऊपर ले जाएगी। देखो क्रॉस होगी, अब एक टाइम पे तीन तीन का पेयर जा रहा है, यहाँ से वो जा रही है, वहाँ से वो क्रॉस हो रही है। तो कैंपटी फॉल भी देख लिया है और कंचन को थोड़ी सी परेशानी हुई ऊपर आने में, हालांकि ज़्यादा था नहीं। अगर आपको 200 रुपये बचाने हैं तो आप जा सकते हो, 50 रुपये यहाँ पर बाइक पार्किंग है, 100 रुपये पार्किंग के लगे हैं। हो नहीं हूँ नहीं हूँ ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला। तो मसूरी के लिए जा रहा है यहाँ से ये वाला रास्ता, लेफ्ट वाला, तो अभी हम मसूरी जाएंगे, बट यहाँ से कंपनी बाग के लिए जा रहा है। सो ये रास्ता जाता है कंपनी गार्डन और दलाई हिल्स के लिए। कंपनी गार्डन जा सकते हो आप देखने के लिए, मैं तो पिछली बार गया था, इतना कुछ खास लगा नहीं, झूले वगैरह हैं, बट अभी मैं सीधा जाऊँगा दलाई हिल्स। स्टीप नीचाई है यहाँ पर, तो गाड़ी लाना तो यहाँ बेकार काम है, स्पेशली अभी ऑफ सीज़न है। अगर ऑन सीज़न यहाँ पर गाड़ी लेके आओगे ना तो भाई साहब दिमाग का दही हो जाएगा। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी पूरी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं, और ये देखो नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। बुद्धा टेंपल के लिए यही जा रहा है ना। सो अभी हम आ गए हैं बुद्धिस्ट टेंपल में, फ्रंट वहाँ से क्या बोलते हैं इसको, प्रेयर व्हील। कुरकुरे पड़े थे, सारे कुरकुरे खा गए कुरकुरे थे, बिस्किट थे, कुरकुरे थे मेरे ख्याल से। तो ये है कुछ दलाई हिल्स का रास्ता, गांव के बकरे हमारे आ रहा ना, गांव वाला फील, वो खुशबू आ रही है, महक। अरे रास्ते में मैं जब रास्ते में ना मैंने देखा आंटी से लगने की हमने बकरा टाने की ना ट्रेनिंग दे रही थी बाबू, जब ने तोड़ दिया ऐसे तोड़ते तो ऐसा तो यहाँ पता नहीं कितनी लोग कर रहे थे। ऐसे तोड़ते तो पहले अपने मर्द का तोड़ते हैं। ये देखो वो कंडली कहाँ है, कंडली पीछे, हाँ ये रही कंडली, करो टच करो, तुम ही टच कर लो, तुम्हें 1000 रुपये इनाम, करो मैं मर के भी टच ना करूँ। ये देखिए दोस्तों सुबह से ही बैठे हैं, जा रहे बाइक पे, घूम रहे तो बाइक में खड़े होके जा रहे हो तुम, 15-15 मिनट बाइक में भी मेहनत लगती है यार, गियर्स बदलना पता नहीं चला कितना चढ़ के हो गया। ये कंडली वाला है तेरे हाथ माल गई तेरी टूटियों हो मैं लगी नहीं कुंडली आगे से मुझे आ रही है गुड़वाली उसके पेड़ तक।
बज गए हैं, अंधेरा हो चुका है और अब हम दलाई हिल्स से जा रहे हैं होटल। सो ये जो नीचे से गाड़ियाँ आ रही है ये जा रहा है कैंपटी फॉल के लिए रास्ता, और ये ऊपर को जो इससे हम आ रहे हैं ये चला गया कंपनी गार्डन दलाई हिल्स, एंड ये मसूरी के लिए जा रहा है। सो मसूरी से 1 किलोमीटर पर ये कट है। अगर इस ट्रिप में गगन भाई और सब साथ में होते तो और ज़्यादा निखार आ जाता और ज़्यादा इन्जॉय होता और व्लॉग में और ज़्यादा आपको मस्तियाँ देखने को मिलती। एक्चुअली क्या है कि अभी हम अपना ये कैंसिल नहीं कर सकते थे प्लान, बिकॉज जो हमारा क्लब राइडिंग ग्रुप है तो उसमें एक चैलेंजेस थे जो कि हमें कंप्लीट करने थे विद इन 2 वीक्स। तो कंचन का चैलेंज था 700 किलोमीटर और मेरा चैलेंज था 300 किलोमीटर का, तो इसलिए फिर प्लान हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो अगेन हम लाइब्रेरी चौक की तरफ को आ गए हैं, और लाइब्रेरी चौक से हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं, बिकॉज माल रोड से हम जा सकते हैं बट वहाँ पे क्या है कि पार्किंग फीस लेते हैं वो 100 रुपीज़ पर बाइक। तो अभी हमें सिर्फ जाके वहाँ पे खड़ानी है होटल में। तो यहाँ से एक बीच से रास्ता भैया ने बताया पेट्रोल पंप से जो डायरेक्टली मॉल रोड निकलेगा बीच में। फालतू में 200 रुपये की पर्ची क्यों कटवानी। ओ देवी चलो ऊपर, जब भी आप ऊपर आओ ये आपको ब्रिज सा दिखेगा यहाँ से अंडरग्राउंड, वहाँ पेट्रोल पंप है, ऊपर रास्ता जाता है, ये लाइब्रेरी चौक पे जा रहा है और आप पहला कट यहाँ से ले सकते हो ऊपर के लिए। ये पहला कट जा रहा है ऊपर सीधा। अबे ये तो होटल बन रहा है, कहाँ घुसा दिया इसने, ये तो होटल बन रहा है ऊपर। वो कह रहा पहला राइट ले लो, पहला राइट तो यही है, ये तो कलोल हो गई, ऊपर होटल बन रहा था। एंड लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, द थर्ड राइट वन वे इज अ राइट। तो ये थर्ड राइट है, सो डायरेक्टली ये जाएगा। देखो जहाँ बच सकता है वहाँ मैं बचाता हूँ, कंचन कह रही है कि इससे अच्छा मैं 100 रुपये दे देती है। यही तो एडवेंचर है बॉस। काफ़ी चढ़ाई है, फर्स्ट गियर में भी लगता उठा नहीं रही है, एक्टिवा ने उठा लिया देख लो। होंडा वालों अवेंजर मात खागी चढ़ाई में, एक्टिवा हमने चढ़ाई में चढ़ा ली, चढ़ गई, देखा मेरे आने से चढ़ गई एकदम। ये स्टीप, बिल्कुल स्टीप है, ऊपर से भी आएगा व्यू मॉल रोड से। आग लगे, क्लच गया मेरे हिसाब से। क्लच गया कैसे, फ्री हो गया वो, चलो लूज हो गया होगा। हाँ चलो, ये होटल में जाना, पर लोकल बंदा चल रहा है अंदर, तो लोकल है। हाँ वही चल रहा है, तो करो फिर पर्ची पुर्ची, मेहनत बेकार। नहीं उन्होंने हमें कहा था ना कि आप यहाँ से फ्रीली आ जाना, पर्ची मिलती नहीं ना, ये चक्कर है, इस समय लोकल बंदा चल रहा है यहाँ पर, बस आपकी एंट्री कर सकते हैं हम, यही हो सकता है। पर्ची अगर नहीं है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वैसे लो और जाने दो यार। गन हिल पे जा तो रहे हैं, वो कह रहे बंद किया हुआ है। 7 बजे तक की टाइमिंग होती है इसमें ना, इससे भी तो जा सकते हैं एक्टिवा से वहाँ गन हिल पे ना, रास्ता है कुछ। हाँ, वो रास्ता कहाँ से मतलब इस पॉइंट से आगे जाएंगे, पर ये चीज़ गलत है, पर ये गलत करा हुआ है ना, एक कम से कम एक दिन का रखना चाहिए ना बंदा, अगर यहाँ वहाँ घूमने जाएगा बार बार वही करता रहेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक दिन की वैलिडिटी वैसे होनी चाहिए ना। हाँ नहीं मैं वैसे एक बात बोल रहा हूँ वैसे, क्योंकि इससे क्या होता है फिर टूरिस्ट का ना मन ख़राब हो जाता है। अगर आप शिमला वगैरह, हम शिमला वगैरह जाते रहते हैं, हम चंडीगढ़ से दोनों। हाँ मैडम क्या कह रही है, मैडम क्या कह रही है, नहीं हम राइडिंग करते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं। हाँ चलो ओके थैंक यू। तो जी एंटर कर चुके हैं हम मॉल रोड में, सो दिस इज अ मॉल रोड। क्या हो गया, वैसे तो देखा जाए 2 व्हीलर भी अलाउड नहीं होना चाहिए अंदर, बिकॉज मॉल रोड है, पैदल जाने वालों को भी फिर समस्या होती है, गाड़ियाँ भी आ रही है अंदर। वो पुलिस वाला था ना? हाँ हैं क्या, नहीं जाएगी क्यों, नीचे ना जाना घप, या नीचे भी है, नीचे नहीं है, यहीं लगाते। तो जी मिशन हो गया फेल, 200 रुपये आखिर देने ही पड़े। यार ये गलत बात है ना, अगर कोई बंदा घूमने निकल रहा है, अगर हाँ एक दिन तो, अब 100 रुपये अगर तुम दे रहे हो, एक दिन की पार्किंग की फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। अगर माल रोड से तुमने बाहर, अब तुम कैंपटी फॉल चले गए, तुम्हारा मन है कि तुमने इधर जाना है धनोल्टी जाना है, तो तुम तो पर्चियाँ ही देते रहोगे मॉल रोड के अंदर एंटर करने के लिए। से
400-500 रुपये की तो हमारी पार्किंग हो जाएगी। गलत है उत्तराखंड गवर्नमेंट, कम से कम एक दिन की वैलिडिटी दो यार। 100 की जगह तुम 150 ले लो, पर एक दिन की वैलिडिटी दो। फिर भी ले ही लिए उन्होंने, वहाँ खड़े हुए थे वो ना, वैसे ही बोल रहा था। मैंने कहा पर्ची दे, फिर पुलिस वाला था, फिर बाद में फ़ोन करके बुला रहा उनको। अच्छा। मैंने कहा जब देने हैं तो फिर पर्ची दे। देखो ऑटोमेटिक है, लाइट आते ही जल गई। तो दोस्तों थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं मॉल रोड घूमने के लिए, और वो दिखेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।